News 19 में और मैं हूं आपके साथ सुनीता शर्मा। इस समय हम बहुत ही बड़ा खुलासा करेंगे और वह खुलासा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। जी हां, उन्होंने एक बैठक में कहा था कि मेरी खुद की रगड़ाई हुई थी तभी मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना। तो इस बात से उनका कहना यह भी है कि उनके पक्ष में अगर जब तक लोगों की रगड़ाई नहीं होगी वो आगे नहीं बढ़ सकते। और यह बात उन्होंने कहा भी है कि अगर आपकी रगड़ाई नहीं हो सकती तो आगे जब तक आप नहीं बढ़ोगे। तो पहले तो चलिए जानते हैं कि यानी अशोक गहलोत की कौन सी यानी रगड़ाई हुई थी जिसके बाद वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और किस तरह की रगड़ाई वो अपने सदस्यों की करने के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए अपने खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरी खुद की खूब रगड़ाई हुई। NSUI से प्रदेशाध्यक्ष तक खूब रगड़ाई होने के बाद ही मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूं। यहां NSUI के 52वें स्थापना दिवस पर पहुंचे गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि NSUI के कार्यकर्ताओं को भी समझना होगा कि वो पार्टी के लिए मेहनत करें, संगठन में काम करें। संगठन में रगड़ाई होने पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं तब चुनाव लड़ा था जब पार्टी में कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब मैं भी महज कुछ हजार वोटों से हारा था। तब बड़े नेताओं ने सोचा कि ये युवा काम का है। जब बड़े नेता 30,000 वोट से हारे तब मैं कुछ हजार वोट से हारा। मैंने स्वयं को साबित किया। तब जाकर इंदिरा गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ मंत्री रहने का अवसर मिला। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए News 19 के साथ। नमस्कार।